हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नवरत्न पेंटिंग बनाना बताऊंगी। पहले वीडियो में मैंने आपको नवरत्न पेंटिंग दिखाई थी कि कौन कौन सी आती हैं और कितने रुपए तक मिलती हैं और आप कौन कौन सी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में नवरत्न पेंटिंग बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर गणेश जी की नवरत्न पेंटिंग है और यहाँ पर इसके साथ में सारा मटेरियल मिला है, इसमें स्टोन वगैरह है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही गणेश जी के मुकुट में हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें रेड स्टोन है, ग्रीन है, वाइट है, हर कलर के स्टोन इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे जिस कलर के स्टोन से, यहाँ पे रेड दिया है तो यहाँ पे हम रेड लगाएंगे, ग्रीन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ग्रीन स्टोन लगाएंगे। इसी तरह हमें बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है। सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में सारे स्टोन निकाल लिए हैं और यहाँ पर फेविकोल है, आप इसी से भी लगा सकती हैं और आप कोई इस प्रकार की ले लें उससे भी आप लगा सकती हैं जहाँ पे आपको स्टोन लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मुकुट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मुकुट में किनारे किनारे येलो कलर के लगे हुए हैं स्टोन, बड़े स्टोन हैं, तो सबसे पहले येलो हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लगाना है फेविकोल, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे इसे। ऐसे में पहले फेविकोल लगा लेना है। और फिर यहाँ पे हमें स्टोन लेंगे, ऐसे में चिपकाने हैं। बराबर से अच्छे से चिपकाने हैं। बराबर से लगाना है जिससे कि देखने में पेंटिंग अच्छी लगे और सारे स्टोन अपनी जगह पे अच्छे से लग जाएं, इसीलिए हमें ऐसे लगाना है और अच्छे से चिपकाना है जिससे कि ये गिरे नहीं और अच्छे से चिपक जाएं। तो यहाँ पे मुकुट में मैंने स्टोन लगा दिए हैं जिस कलर के लगे थे। तो ऐसे ही फिर यहाँ पर हम लगाना शुरू करेंगे जिस कलर के जहाँ पर लगाने हैं और हमें ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं वाइट। जहाँ पे जिस कलर के लगाने हैं वहीं पे कलर के स्टोन ऐसे लगाएंगे। आप चेंज भी कर सकती हैं, अगर आपके पास स्टोन येलो नहीं है, कम पड़ रहे हैं, तो आप दूसरे भी लगा सकती हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल कम होता है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं बड़े स्टोन रेड कलर वाले निकाल ली हूँ अलग, और जहाँ जहाँ पेंटिंग में रेड कलर हैं बड़े स्टोन, जैसे कि यहाँ हाथ में लगाना है यहाँ पे, तो ये सारा काम मैं पहले कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगा लेंगे, जहाँ जहाँ रेड स्टोन लगे हैं हम पहले वहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड स्टोन लगा लिए हैं जहाँ जहाँ पे लगने थे, और अब हमने यहाँ पे ग्रीन स्टोन लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन स्टोन भी लगा लिए हैं और ये येलो कलर के भी लगा लिए हैं। और अब यहाँ पे जो छोटे मोती हैं तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो जितने छोटे मोती हैं उनको अब हम लगा लेंगे। यहाँ पे अब हम वाइट कलर स्टोन लगा रहे हैं, रेड और ग्रीन येलो हम बड़े स्टोन जो थे वो पहले लगा लिए हैं, और यहाँ पे छोटे मोती वाइट कलर जो हैं मोती वही हम लगा रहे हैं हम। तो पहले हम अब वाइट का सारा काम कर लेंगे। तो आपको इसी तरह सारे स्टोन अपनी पेंटिंग में लगाना है, जहाँ पे जो कलर लगा है, जो स्टोन जो मोती लगी है, आपको उसी हिसाब से लगाना है।
फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे गणेश जी की पेंटिंग बनके रेडी हो गई है। जहाँ पे जिस कलर का स्टोन लगाना था मैंने अच्छे से लगा दिया है और आपको इसी तरह बनाना है। तो ये पूरी पेंटिंग बनके रेडी हो गई है और ये नवरत्न वाली पेंटिंग है। और यहाँ पे आप अपना नाम डालना चाहती हैं पेंटिंग में तो आप डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला है मिली, तो कुछ भी आप लिख सकती हैं। नाम की जगह आप कुछ भी लिखना चाहती हैं तो आप यहाँ पर डाल सकती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक पेंटिंग और दिखाती हूँ जो मैंने बनाई है। ये है राधा कृष्ण की पेंटिंग। तो इसमें कि बहुत सारी डिजाइन आती हैं, आपको बनाना ऐसे ही होता है। इसमें इसका पोस्टर एक आता है और इसके सारे स्टोन आते हैं साथ में, तो आपको ऐसे ही चिपकाना होता है केवल। तो फ्रेंड्स, ये आपको पेंटिंग मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप ऐसे पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि नवरत्न वाली पेंटिंग है, रेशम वाली पेंटिंग है, स्पार्कल वाली है, फैब्रिक कलर वाली है। तो अगर आप सीखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।